A very very good morning to all of you and this is your channel Love You Chemistry. So guys, हमने इससे पहले लेक्चर में आपके पोस्टुलेट्स किए थे, वहाँ पे ही हमने आइगन वैल्यू देख ली थी, वेव फंक्शन देख लिया था, तो हमने पांच पोस्टुलेट वहाँ पे कर लिए थे, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जो सिक्स पोस्टुलेट है वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं, देर इज अ वन कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू दैट आइगन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, योर पोस्टुलेट थर्ड एंड पोस्टुलेट फोर्थ। तो क्या होता है गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, कभी कभी वो लीनियर कॉम्बिनेशन देता है कुछ वेव फंक्शन, लेट से एक वेव फंक्शन है फाइव वन इन फर्स्ट स्टेट, फाइव टू इन सेकंड स्टेट, फाइव थ्री इन थर्ड स्टेट, ओके। वो क्या करता है, एक वेव फंक्शन साई दे देता है जो इन वेव फंक्शन का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या होता है, इन वेव फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो कभी कभी ये वेव फंक्शन दे देता है और कह देता है वो इनकी सबकी अलग अलग एनर्जी दे देता है, वो हैमिल्टोनियन फाइव वन के जैसे फाइव वन के ऊपर अप्लाई किया उसने और कह दिया एनर्जी आ रही है, आइगन वैल्यू आ रही है टू, ठीक है ना। और एच को अगर उसने फाइव टू के ऊपर अप्लाई किया, लेट से माइनस फाइव टू आ रहा है, और एच को लेट से उसने फाइव थ्री के ऊपर अप्लाई किया, वो टू माइनस टू फाइव थ्री आ रहा है, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे कहा है कि जब हम एच वन को अप्लाई करते हैं फाइव वन के ऊपर तो आइगन वैल्यू टू आ रही है, फाइव टू को अप्लाई करें आइगन वैल्यू माइनस वन, और फाइव थ्री के ऊपर अप्लाई करें आइगन वैल्यू माइनस टू। तो आप बताइए द टोटल एनर्जी कितनी होगी, द एवरेज एनर्जी कितनी होगी। इस केस में गाइज अगर आप क्या करोगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन लगा के देखोगे, यानी कि आइगन वैल्यू निकाल के देखोगे, एच को जस्ट अप्लाई करोगे साई के ऊपर, तो क्या होगा देखो, हम करके देखते हैं एक बार। एच को जब मैं अप्लाई करूंगा टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फोर फाइव थ्री, जब मैं एच को अप्लाई करूंगा इसके ऊपर तो टू सो पहले से ही था, और फाइव वन के जब ऊपर अप्लाई करूंगा तो आएगा टू फाइव वन, ओके गॉट इट, ये आ जाएगा माइनस फाइव टू, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ये आएगा फोर, सॉरी माइनस फोर इंटू टू फाइव थ्री, ऐसा आएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आ रहा जो कॉमन आके और यहाँ पे वेव फंक्शन इनिशियल वेव फंक्शन बच जाए, ठीक है ना। यहाँ तो कंप्लीट वेव फंक्शन ही चेंज हो गया, ठीक है ना, कुछ यहाँ से कॉमन आ नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे वेव फंक्शन साई है या जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला वेव फंक्शन साई है, ये हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन नहीं है। आपको पता है इस केस में, जिस केस में आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं मिल रहा है आपको, आप वहां पे पोस्टुलेट फोर का यूज करते हो, क्या यूज करते हो, पोस्टुलेट फोर का। आप वहां पे क्या निकालोगे, एवरेज एनर्जी, सॉरी एवरेज वैल्यू निकालोगे। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, लेट से आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है, आपके पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, तो आप क्या करते हो, लिमिट लगाते हो फुल स्पेस पे, ठीक है ना, साई स्टार देन योर ऑपरेटर देन साई डेटा, ये तो करते हो। लेकिन ये जब होता है जब आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले मुझे कि मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो मैं सीधा ये फॉर्मूला लगा दूंगा, अदरवाइज मैं पहले उसे नॉर्मलाइज करूंगा तब ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ साथ के साथ में नॉर्मलाइज करने के लिए भी, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीटो। अब मैंने इस फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा वेव फंक्शन, तो साथ साथ नॉर्मलाइज भी होता रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो हम बात देख कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना, हम कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और उन लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है गाइज वो हो जाती है आपकी कि आपको वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करना है। अगर आपने वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं किया तो नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करता हूं, ध्यान से देखना, लेट से मेरे पास वेव फंक्शन क्या है, मेरे पास है साई इज इक्वल टू टू फाइव वन प्लस थ्री आई फाइव टू प्लस फाइव फाइव थ्री। लेट से आई हैव दिस लेयर कॉम्बिनेशन वाला वेव फंक्शन, दिस वेव फंक्शन एंड दिस इज द लेयर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे नॉर्मलाइज करना है मुझे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते हो, यही तो करते हो, और साई स्टार इंटू साई, साई स्टार क्या हो जाएगा टू फाइव वन प्लस थ्री आई फाइव टू प्लस फाइव फाइव थ्री, ये इसका स्टार मल्टीप्लाई बाई टू फाइव वन प्लस थ्री आई फाइव टू प्लस फाइव फाइव थ्री इंटू डीटो, यही तो होगा, ओके। अब यहां ध्यान से देखो आप, इसका जब आप स्टार करोगे तो आ जाएगा टू फाइव वन प्लस थ्री आई फाइव टू, आई का स्टार क्या जाएगा माइनस आई, तो माइनस थ्री आई फाइव टू प्लस फाइव फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाई टू फाइव वन प्लस थ्री आई फाइव टू
प्लस 5 5 3 d2। गॉट इट? अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें। आप ध्यान से देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। 251 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 251 में, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 into 2 4। 4 को हम बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है 51 into 51। या आप ऐसा कह सकते हो, अगर आप यहाँ पे अभी स्टार नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ पे स्टार लिख दो, ठीक है ना, तो आ जाएगा 251। 2 का स्टार 2 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 51 का स्टार इंटू 51 डी 2 आ जाएगा। ओके, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 3 to the 6i, और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 51 star 52। और गाइस ये आपको पता है ये आपका ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली वो टर्म्स आएगी जिसमें आपका वेव फंक्शन सेम होगा। तो 51 का 51 के साथ होगा, 51 का 52 के साथ जीरो, 51 का 53 के साथ जीरो, 52 का 51 के साथ जीरो, 52 के साथ लेंगे, 52 के साथ लो, 3 3 9, आई इन टू आई आई स्क्वायर दैट इज माइनस 1, सो इट विल कम माइनस 9 5 2 star 5 2। ओके, अगेन सॉरी माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? और यहाँ पे देखो, यहाँ से आएगा आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस आई है, और इंटू 3 ये आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 3 आई आएगा। ओके, माइनस और आई इंटू आई इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, प्लस 9 into 5 to 5 to डी टर्म समझ में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। गॉट इट? ओके, अब इसका इसके साथ करेंगे दैट अगेन जीरो, ये आपका जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो इसका इसके साथ 5 into 5 10, 5 3 star into 5 3 d। गॉट इट? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब गाइस आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये आपका क्या है, नॉर्मलाइज फंक्शन है, यानी कि नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 नॉर्मल होगा ना, तो आ जाएगा 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 10। गॉट इट? यानी कि पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, 10 प्लस 9 19 प्लस 4 23। मींस ये आपका फंक्शन कैसा नहीं है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है। नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या लेते हो, एन स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और इज इक्वल टू किसके रख देंगे, 1 के रख देंगे। तो ये आ गया एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 23, तो एन इज इक्वल टू 1 बाई बोलिए 23, यहाँ पे क्या आ जाएगा अनरूट 23, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई अनरूट 23। फिर से देखो, आपने पूरा वेव फंक्शन लिया लेकिन जो लास्ट में आया वो क्या है, लास्ट में आया जो कांस्टेंट है, यानी कि जो कांस्टेंट है, लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, तो जस्ट इनका स्क्वायर आया, C1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर। देखो I का कोई वो नहीं रहेगा क्योंकि I में मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहा हूँ, एक बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक बार विदाउट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो I में कभी नहीं लूंगा, 3 3 9, देन 5 5 9 आएगा आपका। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 की 5 में तो 5025 सॉरी ओके, तो ये आएगा 25 प्लस 4 29 38, ठीक है ना, तो ये आएगा 38 अनरूट 38। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? तो जनरली आप ले क्या रहे हो, जनरली ये आप ले रहे हो m इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन अनरूट, आप कह सकते हो समेशन ऑफ ci स्टार ci, यानी कि आप ci का स्टार ले रहे हो, या आप अगर ये दोनों रियल होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अनरूट c स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो आप। तो जनरली आप नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हो, फिर से ध्यान से समझो, आप अगर ये नॉर्मलाइज करना चाहते हो पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन वाले वेव फंक्शन को, तो आप इनके ओनली मल्टीपल, जो आपका वेव फंक्शन है उसके ओनली मल्टीपल का स्क्वायर करके और आप उससे अनरूट से डिवाइड कर दोगे, मल्टीपल का स्क्वायर करो ऐड करो और फिर डिवाइड कर दो उससे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैं एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है ना, तो आपको अगर ये करना था तो सीधा कर देते, 2 to the 4 प्लस 3 3 9 प्लस 5 5 25 अनरूट एन इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 by root a, ठीक है ना, तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 by root 38, ऐसा करोगे, यानी कि जो आपका नॉर्मलाइज कॉन्स्टेंट होता है वो होता है 1 upon √ summation ci ci star ci star ci, ये होता है।
कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो मैं एक वेवफॉर्म से ले लेता हूँ आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन पे कोई वेवफॉर्म से ले लेता हूँ। लेट्स से साई इज गिवन 5 5 1 प्लस 4 i 5 2 प्लस 5 5 2 ओके सो ये जाएगा 5 5 25 4 4 16 5 5 25 देन अगेन 50 60 60 6 66 आएगा ना तो n = 1/√66 ऐसा करोगे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है ना और देखो अगर आपका माइनस भी आएगा तो माइनस से कुछ लेना देना क्योंकि उसका जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है ना तो माइनस को लेना ओनली मल्टीपल का स्क्वायर करो जोड़ो और डिवाइड करो मन से तो वो आपका आ जाएगा क्या नॉर्मलाइज सिंपल कांस्टेंट तो ऐसे ही आप वेव फंक्शन को अगर किसी वेव फंक्शन को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में नॉर्मलाइज करना है तो आप क्या करोगे जस्ट आप उसके मल्टीपल्स का स्क्वायर करके और n = हो जाएगा 1/√64 प्लस हैरिसन ओके कोई प्रॉब्लम नहीं ना ओके जैसे कि इसने क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है लेट्स से 2 5 1 प्लस 3 5 2 प्लस 5 5 3 ये दे रखा है और ये कह रहा है कि अगर मैं h को 5 1 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो -1 उसका आइगन वैल्यू आ रहा है, अगर मैं h को 5 2 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो 2 5 2 आ रहा है वो आइगन वैल्यू आ रहा है, अगर मैं h को 5 3 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो वो आपका 3 5 3 आ रहा है ठीक है ना। ये आ रहा है तो आइगन वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे -1 आइगन वैल्यू आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, समझ में आया ना। ओके अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले देखो आइगन वैल्यू इक्वेशन तो देगा नहीं तो आपको सबसे पहले देखना है कि नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो नॉर्मलाइज 5 5 25 3 ऐड करोगे तो नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करोगे, जस्ट आप साई नॉर्मलाइज क्या करोगे इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 5 5 25 3 3 9 एंड देन 2 2 4 सॉरी 5 and 9 9 9 18 18 1 3 मीन्स ये आ जाएगा आपका 38। सो जब आप लिखोगे यहाँ पे साई नॉर्मलाइज तो साई नॉर्मलाइज आ जाएगा आपका 1/√38 2 5 1 plus 3 5 2 plus 5 5 3 ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। ओके ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एवरेज एनर्जी। क्या निकालना है, एवरेज एनर्जी। देखो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल चीज है। अब ये आया आपका, अब ये और एक्सपेंड करके लिख सकते हो 2 by √38 5 1 plus 3 by √38 5 2 plus 5 by √38 5 3 कोई दिक्कत नहीं ना। ओके अब आपको क्या करना है, आपका वेव फंक्शन कंप्लीटली अब नॉर्मलाइज है। क्या है, कंप्लीटली नॉर्मलाइज है। यहां से आगे आपको इसका निकालना होगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखना है आपको नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के लिए क्या है, देखो जब आप कोई भी एवरेज वैल्यू निकालते हो, देखा ना फॉर्मूला कोई लगाना है पोस्टुलेट फॉर्मूला, क्या निकालना है आप लगाते हो -∞ to +∞ ये तो करोगे, जो भी लिमिट यहाँ पे दे रखी है ठीक है ना, -∞ to +∞ देन ओके साई स्टार ए साई डिट ये करोगे, क्योंकि अब आपका साइन नॉर्मलाइज है तो आपको नीचे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले नॉर्मलाइज कर दिया है। ध्यान से देखना अब आप यहाँ पे समझना है। ओके अब यहाँ पे आप लिखोगे साई एंड स्टार, इसका स्टार यहाँ पे आप लिखोगे साई एंड ये, मीन्स इसका स्टार भी यही होगा और ये भी होगा क्योंकि कोई आई टर्म नहीं है। फिर से आप क्या करोगे, देखो लिख लो, चलो चलो समझो ध्यान से, ये टर्म लिख रहे हो फिर आप वेव, चलो मैं लिखते रहूँ सॉरी -∞ to +∞ जब भी समझ में आएगा आपको ये होगा 2 by √38 5 1 plus 3 by √38 5 2 plus 5 by √38 5 3 ओके
अब है आपका ऑपरेटर, आपको निकालना है एवरेज एनर्जी, तो आप ऑपरेटर क्या होगा, हैमिल्टोनियन। ओके, अब आप वेव फंक्शन लिखोगे फाई, सॉरी साई एन, साई एन अगेन क्या, अगेन क्या होगा, यही होगा 2π√38 फाई वन प्लस 2π√38 फाई टू प्लस 5π√38 फाई थ्री। ओके, ये थ्री है, यहां तक समझ में आया। ओके, अब देखो ध्यान से, आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि अगर आप इसे ओपन करोगे तो ओपन कैसे होगा ये ध्यान से देखो, यहां से आपका इंटरेस्टिंग है, क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फर्स्ट वाला क्या आएगा, 2π√38 ओके, फाइव वन एच 2π√38 फाइव, ये आएगा ना, ओके इंटू डेटा। फिर दूसरे में करोगे ये और ये, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ऑर्थोगोनल हो जाएगा 0, इसका इसके साथ करोगे फिर से 0, इसका इसके साथ करोगे 0, इसका इसके साथ आएगा फिर प्लस 3π√38 फाइ टू एच 3π√38 फाइ टू। ओके, नेक्स्ट 2 वाले का 3 के साथ 0 आएगा, 3 वाले का 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, 3 वाले का 3 के साथ क्या आएगा, 5π√38 फाइव थ्री एच 5π√38 फाइव थ्री डी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, ये आपको टोटल आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π√38 मल्टीप्लाई बाई 2π√38 आ जाएगा 2π√38, और ध्यान से देखना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा 5 1। ओके, एच 5 1, जब मैं h को 5 1 के ऊपर अप्लाई करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था h को 5 1 के ऊपर अप्लाई करता हूं तो माइनस 5 1 आता है, h को 5 2 के ऊपर अप्लाई करता हूं तो 2π2 आता है, h को 5 3 के ऊपर अप्लाई करता हूं तो 3π3। अब ध्यान से देखो, जब मैं h को यहां पे, ये तो आपका कॉन्सेप्ट बाहर आ गया, h को अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, 5 1 के ऊपर, तो क्या आएगा माइनस 5 1, समझ में आ रहा है ना, तो माइनस 1 आइगन वैल्यू देगा, उस माइनस 1 को मैं बाहर लिख रहा हूं, हो जाएगा 5 1 d2, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सेकंड वाले में ऐसे 3π√38 बाहर आ जाएगा। ओके, फाइ टू, जब मैं एच को अप्लाई करूंगा फाइ टू के ऊपर तो 2π2 आ जाएगा, मैं 2 को बाहर ले रहा हूं, फाइ टू डीटा। लास्ट वाले में 5π√38 बाहर, ओके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 5 3, एच को 5 3 के ऊपर अप्लाई करूंगा तो 3π3 आ जाएगा, 3 बाहर और 5 3 डीटा, समझ में आ रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये टर्म मेरी क्या होगी, 1 हो जाएगी, ये टर्म मेरी 1 हो जाएगी, ये टर्म मेरी 1 हो जाएगी, तो क्या आएगा, यहां से आएगा 2π√38, आप इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस 1, ओके प्लस 3π√38 इसे लिख सकते हो माइनस 2, ओ सॉरी 2 प्लस इसे लिख सकते हो 5π√38 इनटू, समझ में आ रहा है, ये जनरली क्या है, ये आपकी आइगन वैल्यू है जो दी हुई है, ठीक है ना, ये आइगन वैल्यू है, और ये टर्म यहां से निकल के आई है, ये टर्म यहां पे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से निकल के आई है, द कोफिशिएंट्स, ये क्या जनरली, ये C1 star C1 है, C2 star C2 है, C3 star C3 है, ये ठीक है ना, समझ रहे हो। ओके, तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन अगर के, अगर जनरली हम क्या कर दे, जो हमारे वहां से C1 C2 आए हैं उसमें C1 star C1 कर दे, C2 star C2 कर दे और C3 star C3 कर दे, तो ये टर्म, ये आपके यहां से निकल के आ जाते हैं और फिर जस्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी आइगन वैल्यूज की, इन टर्म्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, यानी कि बस मुझे किसी भी प्रॉपर्टी को निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की जरूरत होती है, मीन्स एनी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या होता है, एनी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड और द एम्पलीट्यूड और यू कैन से द आइगन वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बस ये आपको करना है।
ठीक है ना। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो बहुत सिंपल एक दो लाइन में हो जाएंगे, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो बस आप सिंपली क्या करोगे, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लोगे, और नॉर्मलाइज करने के बाद में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालोगे, फिर निकालोगे। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे एवरेज एनर्जी का पूछा गया, तो उसे कर लो, -2/38 + 6/38 + 15/38 तो कितना हो जाएगा, -2 + 6 + 15 में से 2 गए 19/38 एंड दैट इज 1/2। सो आपका एवरेज एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2 यूनिट एवरेज एनर्जी या 0.5 एवरेज एनर्जी आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ पे और क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि आप हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट बताओ कौन सी है। देखो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ये प्रोबेबिलिटी के एम्पलीट्यूड्स है। अगर आप देखो इसमें हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कौन सा है, तो ये आपका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, ये आपका लोएस्ट एम्पलीट्यूड है। 2/38 है ना, 5/38 है, तो ये हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, ये लोएस्ट एम्पलीट्यूड है, ये मिडिल वाला है। तो अगर पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होगी, तो हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट वो होगी जिसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है। तो कौन सी स्टेट है, 5/3 आपकी हाईएस्ट स्टेट होगी, हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल मिलेगा। इसका मतलब लोएस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी है, ये रही, इसका 5/1, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आइगन वैल्यू से कुछ नहीं लेना, यहाँ पे बस हम एम्पलीट्यूड को लेकर बता रहे हैं, ये आपका मिडिल वन होगा, ठीक है ना। वो पूछ ले कि हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट की एनर्जी कितनी है, आइगन वैल्यू कितनी है, तो वो 3 है। लोएस्ट स्टेट की आइगन वैल्यू दैट इज -1। कोई प्रॉब्लम कर लोगे, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कर लेना। क्वेश्चन आता है यहाँ से, 2016 में भी आया था, 17 में भी आया था, 17 के डिसंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, करोगे, समझ में आया। देखो जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर पर्टिकुलर गिवन स्टेट, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल पूछा है, तो उसमें से आप एम्पलीट्यूड निकालोगे, मोस्ट प्रोबेबल वाला कर लोगे, इस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि साइज इक्वल टू दे रखा है 2/5/1 - i/2 + i/3। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा, तो सबसे पहले आप नॉर्मलाइज करोगे, नॉर्मलाइज करने के लिए बस मल्टीपल का स्क्वायर कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर, मैंने कहा माइनस को नहीं लोगे क्योंकि प्लस हो जाएगा स्क्वायर, होने पर आई को भी नहीं लोगे क्योंकि एक साइड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक साइड आई, मिलके माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ना तो यहाँ 1 का स्क्वायर बन हो जाएगा और प्लस फिर से 1 का स्क्वायर बन हो जाएगा, तो 4, 5, 6 मीन्स आपका 6 आएगा, n² × 6 = 1 आएगा, तो n² = 6 आ जाएगा, 1/6, और n = क्या जाएगा, 1/√6। तो आपका क्या आ गया, 1/√6 n आ गया, ठीक है ना। यानी कि आप कुछ नहीं करोगे, बस इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इनके स्क्वायर से, तो 4 + 1 + 1 तो 6√6 आ गया। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2/√6 - i/√6 / 2 + i/√6 / 3 ये आ गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, दैट इज अगेन c/c, सो दिस इज c/c, क्या हो जाएगा 4/6, ये क्या हो जाएगा 1/6, ये क्या हो जाएगा 1/6। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी है, 5/1, लीस्ट प्रोबेबल स्टेट, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। ओके, अब इनकी उसने आइगन वैल्यू दे रखी है, जब मैं h को अप्लाई करता हूँ 5/1 के ऊपर तो -5/1 आता है, h को अप्लाई करता हूँ 5/2 के ऊपर तो 2/5/2 आता है, h को अप्लाई करता हूँ 5/3 के ऊपर तो 3/5/3 आता है, सेम जैसे कि पीछे दिया था। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एवरेज पूछा, तो एवरेज पूछने के लिए जोड़ दोगे तो -4/6, अगर आप 6 नीचे एलसीएम ले लोगे तो -4 + 2 + 3 3 × 5 - 4 = 1/6 - 1/6
Next question is your psi is given 2i e to the power minus i kx 2i e to the power minus i kx plus 3 e to the power i kx. This is the wave function of these two waves. See, ये wave function आपको पता है क्या है? ये free particle का wave function है, ठीक है ना? दोनों free particle के लिए wave function है. एक इस direction में, एक इस direction में, दोनों का linear combination लेके आपका एक wave function बना दिया, ठीक है ना? और इसमें पूछ लिया, बताओ कि average value of linear momentum in x direction क्या होगी? Average value of linear momentum in x direction क्या होगी? ये आपसे पूछ लिया. Average energy, average kinetic energy in x direction पूछ लिया क्या होगा? ठीक है ना, हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट का मोमेंटम पूछ लिया, लोएस्ट प्रोबेबल स्टेट का मोमेंटम पूछ लिया, ठीक है ना, हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, लोएस्ट प्रोबेबल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट का वेव फंक्शन और लोएस्ट प्रोबेबल स्टेट का वेव फंक्शन आपसे पूछ लिया, ठीक है ना. तो जस्ट क्या करोगे, पहले नॉर्मलाइज करोगे. नॉर्मलाइज करने के लिए जस्ट इनके जो मल्टीपल्स है उनके स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे. तो 2 2 4 3 3 9 4 9 13, सो रूट 13 से डिवाइड कर देंगे, मींस आ जाएगा 2i बाय रूट 13 e टू द पावर i kx माइनस का एंड देन प्लस 3 बाय अंडर रूट 13 e टू द पावर i kx. ये आ जाएगा आपका साइन नॉर्मलाइज, गॉट इट. यहां से अब आपको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालना है. प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जस्ट इनका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 4 बाय 13, ये आ जाएगा 9 बाय 13. ओके, इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि दी नहीं है. तो आइगन वैल्यू पहले आपको लेट से आपको मोमेंटम निकालना है, तो आप मोमेंटम को अप्लाई करोगे इस वेव फंक्शन के ऊपर e टू द पावर i kx में आ रहा है, माइनस i kx के ऊपर अप्लाई करोगे. आपको बताया आपने जब अप्लाई किया था क्या आया था, माइनस h क्रॉस kx. चलो अप्लाई करो, हमें नहीं पता माइनस h क्रॉस क्या आएगा, चलो अप्लाई करो हमें नहीं पता. माइनस i h क्रॉस अप्लाई करोगे d बाय dx e टू द पावर माइनस i kx पे, तो क्या आ जाएगा माइनस i h क्रॉस. जब इसे अप्लाई करोगे माइनस i k e टू द पावर माइनस i k x. ओके, तो माइनस माइनस प्लस आई टू आई माइनस वन माइनस एच क्रॉस के, यहाँ से वैल्यू आएगी. और जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो यहाँ से जाएगा एच क्रॉस के, यहाँ से क्या है माइनस एच क्रॉस के. ये आएगा मोमेंटम के लिए. अगर आप काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते थे जाता था एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम, ये क्या आता था एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम, दोनों सेम आते थे, ठीक है ना. अब मुझे एवरेज मोमेंटम निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो इसका क्या जाएगा माइनस एच क्रॉस के, इसका क्या जाएगा एच क्रॉस के. समझा, 13 आप एल से नीचे से ले लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 एच क्रॉस के, ये आ जाएगा प्लस 9 एच क्रॉस के, सो आ जाएगा 5 एच क्रॉस के बाय 13, 5 बाय 13 एच क्रॉस के. दिस इज द एवरेज मोमेंटम, एवरेज लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस वेव फंक्शन. ओके, एवरेज लीनियर मोमेंटम. अगर उसने पूछा व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम फॉर हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो ये हाईएस्ट प्रोबेबल स्टेट है इसका लीनियर मोमेंटम, एच क्रॉस के लोएस्ट प्रोबेबल स्टेट का एंगुलर मोमेंटम इज, ओ सॉरी, लीनियर मोमेंटम इज माइनस एच क्रॉस के. Which one is the wave function in both two wave functions? Which one is the wave function for with highest probable state? ये वाला है और lowest probable state ये वाला है. Okay, ये निकल गया linear momentum. यहीं पे मैं निकालता हूँ kinetic energy का wave value. ठीक है ना? तो क्या आया था? 4 by 13, 9 by 13. Kinetic energy इसके लिए क्या है? h cross square k square by 2n. Same इसके लिए है h cross square k square by 2n. Okay, चलो. कितना आ जाएगा 13, दोनों प्लस है 9 और ये आ जाएगा 13 एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2n. 13 से 13 कर जाएगा, क्या आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2n. तो आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे, देखो जब आपका वेव फंक्शन ये था एनर्जी ये थी, जब आपका वेव फंक्शन ये था एनर्जी ये थी, जब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया तब भी एनर्जी सेम है, ठीक है ना. तो बात यहां से ये निकलती है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर दो आइगन वैल्यू, अगर दो ऑपरेटर्स क्या है, अगर दो ऑपरेटर डीजेनरेट ऑपरेटर है, कैसे हैं दो ऑपरेटर डीजेनरेट ऑपरेटर है. इफ टू ऑपरेटर्स आर डीजेनरेट ऑपरेटर एंड दीज बोथ ऑपरेटर्स आर आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑपरेटर विल गिव द सेम एनर्जी एज दे आर गिवन सेपरेटली. फिर से समझो, अगर ये दोनों क्या है हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शन है, क्या है हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शन है और दोनों डिजेनरेट स्टेट है, तो जो एनर्जी ये दोनों सेपरेट सेपरेट करके दे रहे हैं वही एनर्जी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी देगा, ठीक है ना. दो डिजेनरेट स्टेट है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो पूरी स्टेट की एनर्जी भी सेम होगी. समझ में आया, कोई दिक्कत हो जाएगा ना.
ओके ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और पूछ भी जाते हैं, ठीक है ना। ये कोई से बहुत प्यार है आजकल, पूछ लेता है नेट में, पूछ लेता है, ठीक है, नेट में क्वेश्चन आता है, बट कि नेट वाला ज्यादा पूछता है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें आ रही हैं, वो चीजें आपको रोटेशनल मोशन में पढ़ाई जाएगी, जब आपका क्या आएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा, ठीक है ना, जब आपको पढ़ाई जाएगी और आपका हाइड्रोजन एटम आएगा तब पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं उनको दिखा देता हूँ और उनकी आइगन वैल्यू निकाल के उनके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एल जेड को ऑपरेटर करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, किसको ऑपरेट करता हूँ, द जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ किसके ऊपर, किसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक। क्या कहलाता है? स्फेरिकल हार्मोनिक। अगर मैं इसे स्फेरिकल हार्मोनिक यानी कि दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ रिजिड रोटर, अगर मैं इसे रिजिड रोटर के वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये देता है एम एच क्रॉस आइगन वैल्यू देता है। कौन सी आइगन वैल्यू देता है? एम एच क्रॉस आइगन वैल्यू। फिर से देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन ऑफ रिजिड रोटर। ये रिजिड रोटर का वेव फंक्शन है, इसे हम स्फेरिकल हार्मोनिक कहते हैं। और अगर मैं इसके ऊपर एल जेड ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं, एल जेड ऑपरेटर क्या होता है? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल फाई। अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, जब रिजिड रोटर में आएगा तब समझ आएगा, ये अभी आपके काम करनी है, बस ऊपर वाली याद चीज याद रखो। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट को वाई एल एम के ऊपर करता हूं, जहां पे एम क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, अगर अप्लाई करता हूं तो वो आइगन वैल्यू क्या देता है? एम एच क्रॉस देता है, ठीक है ना। ओके अगर मैं यहीं पे आपके जो एल स्क्वायर को अप्लाई करूं वाई एल एम के ऊपर तो ये देता है एल इंटू एल प्लस वन। फिर से देखो, अगर मैं किसे अप्लाई करूं, एल स्क्वायर को अप्लाई करूं, किसको अप्लाई करूं, एल स्क्वायर को अप्लाई करूं, किसके ऊपर, वाई एल एम के ऊपर, किसके ऊपर, वाई एल एम के ऊपर, तो वो क्या देता है, एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या दे देगा ये l into l plus 1, sorry h cross square और u y l, ठीक है ना। फिर से देखो, l z को अप्लाई कर रहा हूं तो m h cross आइगन वैल्यू दे रहा है, l square को अप्लाई कर रहा हूं हार्मोनिक स्फेरिकल हार्मोनिक के ऊपर तो l into l plus 1 h cross square दे रहा है। ये सब हम कहां पे प्रूव करेंगे, ये सब हम प्रूव करेंगे रिजिड रोटर में। ओके बस अब अभी तो यहां के लिए आपको याद रखना है जिससे आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में स्फेरिकल हार्मोनिक में भी आपको कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप क्योंकि आप कंटिन्यूस यहाँ पे कर रहे हो इन्हें, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे भी इन्हें देख सकते हो क्योंकि इससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है उसने, क्वेश्चन दिया है साई इज इक्वल टू 2y2 minus 2 means m का वैल्यू माइनस टू है, l का वैल्यू 2 है, माइनस i y2 minus 1, ओके माइनस i y2 0, ये प्लस है, माइनस i y2 0, और नेक्स्ट इज प्लस i y2 plus 1 प्लस i y2 plus 1, ओके माइनस 2i y2 माइनस 2i y2 प्लस 2। ये आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया, ये कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, इनके लिए ये आपको क्या दे दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया है, ठीक है ना। और वो निकलवा रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ एल जेड एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, ये दो चीज वो निकलवा रहा है।
ओके तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइज करने के लिए बस आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। टू टू द स्क्वायर फोर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर फोर। सो फोर फोर एट टू टेन और इलेवन इलेवन। सो यहाँ टू वाई अंडर रूट इलेवन वाई टू माइनस टू प्लस आई बाई अंडर रूट इलेवन वाई टू माइनस वन माइनस आई बाई अंडर रूट इलेवन y to 0 plus i by under root 11 y to plus 1 minus 2 i by under root 11 y to plus 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो अब आप निकालोगे इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ओके प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड में बस आप सी स्टार सी कर देते हो तो इनका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 by 11 ये आएगा 1 by 11 ये क्या आएगा 1 by 11 ये आएगा 1 by 11 और ये आएगा 4 by 11। सो ये भी आएगा 4 by 11। अगर इसमें पूछूं हाईएस्ट प्रोबेबल कौन है तो ये दोनों हाईएस्ट प्रोबेबल है, ये लीस्ट प्रोबेबल है, ये हाई मोस्ट प्रोबेबल है, ये आपके लीस्ट प्रोबेबल है। इसका आइगन वैल्यू, अब आप आइगन वैल्यू देखोगे, आपको एलजेड एवरेज निकालना है। तो जब आप एलजेड को इसके ऊपर अप्लाई करोगे, इस स्फेरिकल हार्मोनिक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या आइगन वैल्यू आएगा, वो क्या आइगन वैल्यू देता है एम एच क्रॉस एम इज योर माइनस टू। सो एम एच क्रॉस आएगा माइनस टू एच क्रॉस, तो यहाँ पे लिख देगा माइनस टू एच क्रॉस। कोई प्रॉब्लम, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एम की वैल्यू ये है तो ये देगा माइनस एच क्रॉस। ओके इसके ऊपर अप्लाई कर ले, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जीरो देगा, ठीक है ना, एम इज जीरो, यहाँ पे एम इज प्लस वन तो ये एच क्रॉस देगा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्लस टू एच क्रॉस देगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलो अब जस्ट एलसीएम दे दो, 11 इज एलसीएम हियर माइनस 8 एच क्रॉस, दिस इज माइनस एच क्रॉस, दिस इज जीरो, दिस इज प्लस एच क्रॉस, दिस इज प्लस 8 एच क्रॉस। ओके 8 एच क्रॉस से 8 एच क्रॉस कैंसिल, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, सो दिस इज जीरो, सो आइगन वैल्यू इज जीरो फॉर एलजेड, आइगन वैल्यू इज जीरो। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके एलजेड के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। एलजेड के लिए एवरेज वैल्यू क्या आई, जीरो। ओके अब मैं निकालता हूं एल स्क्वायर के लिए आएगा एवरेज वैल्यू। देखो इसके जब एल स्क्वायर लगाओगे तो आएगा टू इंटू टू प्लस वन एक्स क्रॉस स्क्वायर, एल एल प्लस वन एक्स क्रॉस स्क्वायर होता है ना, तो जाएगा टू वन थ्री, थ्री टू दिक्स सिक्स एक्स क्रॉस स्क्वायर, ठीक है ना। इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो माइनस वन प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, ये जीरो तो ये जीरो दे देगा, ठीक है ना, जीरो का तो जीरो दे देगा। ये आपका क्या देगा, जीरो दे देगा क्योंकि इसमें जीरो ही है, ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा और ये देगा सिक्स एच क्रॉस स्क्वायर। और जब आप ये अप्लाई करोगे तो वन इंटू वन प्लस वन, वन और वन टू, टू वन टू, ये देगा टू एच क्रॉस स्क्वायर, ये देगा सिक्स एच क्रॉस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो टू बाई सॉरी फोर बाई इलेवन इंटू क्या जाएगा सिक्स एच क्रॉस स्क्वायर, इसका जीरो छोड़ो, इसका लिखो प्लस वन बाई इलेवन इंटू टू एच क्रॉस स्क्वायर प्लस फोर बाई इलेवन इंटू सिक्स एच क्रॉस स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं। इलेवन ये आ जाएगा सिक्स फोर का ट्वेंटी फोर एच क्रॉस स्क्वायर प्लस टू एच क्रॉस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एच क्रॉस स्क्वायर, ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर दैट इज फोर्टी एट एंड टू फिफ्टी एच क्रॉस स्क्वायर बाई इलेवन। ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा आपका एल स्क्वायर का। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ऐसे कोई भी स्फेरिकल हार्मोनिक दिया जाए तो आप उसका एलजेड का एवरेज एनर्जी निकाल सकते हो और आप एल स्क्वायर का एवरेज एनर्जी निकाल सकते हो। ओके उतार लो, देखते हैं कैमरे में आ रहा है क्या, या परफेक्ट। समझ में आया, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। एल स्क्वायर, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स अभी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, मैंने बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना। आपसे अगर क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट करें, चलो पॉज करके नोट कर लेना।
इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, इसके ऊपर आ सकता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अभी आप कहोगे हमने हाइड्रोजन एटम नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन जस्ट एक फॉर्मूला लिखूंगा, एक फॉर्मूला लिख लो, उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, जब आपका हाइड्रोजन एटम आएगा आपको अच्छे समझ में आएगा, वहां पे भी हम इसे कराएंगे, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन एटम में जो एवरेज एनर्जी का एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने अपनी 11th class में पढ़ा होगा, सॉरी, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, चलो नहीं पढ़ा होगा तो अब हम इसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम में, बस यहाँ के लिए देख लेते हैं क्योंकि हमें बस क्वेश्चन करना है। ओके, हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ψnLm, जहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अगर यहाँ पे आपको कोई वेव फंक्शन दिया गया हो, अगर यहाँ पे आपको कोई वेव फंक्शन दिया गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है साई, यहाँ पे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो साई आर थीटा फाई, क्यों करते हैं ऐसे बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे लिख देता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन को, साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू साई आई साई टू वन माइनस वन प्लस टू आई साई टू वन वन एंड 210 प्लस आई साई 210। और आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एवरेज एनर्जी, आपसे एवरेज एनर्जी मिला, फिर से जल्दी से करो, आप इसे नॉर्मलाइज करो सबसे पहले, तो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, नॉर्मलाइज डिवाइड कर दोगे किससे, 1 का स्क्वायर 1 देन 2 का स्क्वायर 4 देन 1 4 1 5 देन 6 अंडर रूट 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 1/√6 साई 2 1 माइनस 1, समझ आ रहा है। ओके, देन 2i/√6 साई 2 1 1 then i/√6 साइड 2 1 0 एनी प्रॉब्लम, नहीं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकाल लो, एम्पलीट्यूड क्या आएगा 1/6, ये क्या आएगा 4/6, ये क्या आएगा 1/6 मोस्ट प्रोबेबल ये है, लीस्ट प्रोबेबल ये दोनों। ओके, अब आपको एवरेज एनर्जी निकालना है तो इनका आइगन वैल्यू पता होना चाहिए आपको एवरेज एनर्जी का, ठीक है ना, इनका एनर्जी पता होना चाहिए, नोट आइगन वैल्यू आपको एनर्जी पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखना था आपने -13.6 Z² / n² तो पहले वाले की निकाल लेते हैं -13.6 Z² लेट से दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम वो ऐसे दे सकते हैं हीलियम एटम के लिए, ठीक है ना, वो किसी भी एटम के लिए दे सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है तो जेड, जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 1 का स्क्वायर / n² n इज व्हाट 2 इन फर्स्ट वन सो 4 सो आ जाएगा -3.4 सो पहले वाले का लिए आ गया -3.4 प्लस दूसरे वाले के लिए निकालो -13.6 Z² / n² अगेन 2 फिर से -3.4 आएगा प्लस अगले वाले में देखोगे तो अगले वाले में भी सेम आएगा क्योंकि तीनों में n की वैल्यू सेम है -3.4 क्या करोगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे 6 नीचे एलसीएम आएगा कर दोगे ठीक है ना यहाँ से सोल्व कर लेना। तो ऐसे आप हाइड्रोजन एटम में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है तो उसका एनर्जी आप निकाल सकते हो। एल कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आपने अप्लाई कर लिया स्फेरिकल हार्मोनिक्स पे mh क्रॉस उसका आइगन वैल्यू आता है l स्क्वायर अप्लाई किया तो l into l+1 h² आया और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गाइस ये था मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन का ठीक है ना देख लेते हैं एक बार टाइम कितना हुआ है। ओके गाइस तो यहां तक आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज योर डायरेक्ट नोटेशन डायरेक्ट गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना डायरेक्ट नोटेशन ये बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाला है इंपॉर्टेंट है तो इसे आप बिल्कुल भी एस्केप मत करना ठीक है ना इसे आप कैट ब्रा एलजेब्रा भी कहते हो कैट ब्रा एलजेब्रा ठीक है ना या ब्रा कैट एलजेब्रा ठीक है ना ब्रैकेट इज नथिंग बट लेट्स से सो दिस इज योर ब्रैकेट आप ऐसे तो ब्रैकेट लगाते हो तो साइंटिस्ट ने कुछ फनी नोटेशन बनाने के लिए इस ब्रैकेट को बीच में से कट कर दिया BRACKET
ब्रैकेट को क्या करते हैं, बीच में से कट करते हैं, तो आपका क्या बन गया, ये वाला पार्ट ब्रा बन गया, ब्रा को ऐसे डिनोट करते हो, ये वाला पार्ट कैट बन गया, कैट को आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है ना। इन्हें हम पढ़ेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, जहां पे एक आपका रो को डिनोट करता है, एक आपका कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कैटब्रा अलजेब्रा यानी कि आपका डायरेक्ट नोटेशन करेंगे, ठीक है ना, और उससे बाद में हमारा जो ऑपरेटर अलजेब्रा वाला पार्ट है यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने सिस्टम्स पे आएंगे, दैट इज योर पीआईबी, एसएचओ, हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटर रिंग, ओके, देन उसके बाद में हम एप्लीकेशन पार्ट, देन आपके एप्रोक्सीमेशन मेथड्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा सिलेबस होगा आगे, ओके गाइज। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कॉपरेशन, बाय बाय।